नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आज हम जनसेवा मित्र से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करने वाले हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू की लिस्ट मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, इंटरव्यू कहाँ पर होगा, हमें कैसे पता चलेगा इंटरव्यू कब है, किस तारीख को किस जगह पर है, इंटरव्यू अपने जिले में होगा या दूसरे जिले में। तो यह सभी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी को आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के ऑनलाइन फॉर्म भराना बंद हो चुके हैं, जो कि कल लास्ट डेट थी, जैसे कि आप सभी को पता है। तो यहां पर ऑप्शन भी हट चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं। जैसे कि दोस्तों पिछली बार जो हुआ था उसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार इंटरव्यू की कोई मेरिट लिस्ट नहीं हुई। तो कौन कौन पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे, आप सभी के पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे जिसका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल जमा हुआ है। ठीक है, जिसका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल जमा हुआ है और जिसका आवेदन क्रमांक मिल चुका है, उसके उन सभी के पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के एक से दो दिन पहले कॉल आएंगे। जैसे ही कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा मैं आप सभी को बता दूंगा, अपने मोबाइल चालू रखिएगा, क्योंकि एक से दो बार आपको कॉल किया जाएगा। अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है, आप नहीं उठा पाए, तो आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आगामी जानकारी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू कहाँ होगा। इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड जगह है या तो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा या फिर आपकी जनपद पंचायत में होगा। ठीक है, होगा जिले में ही, खुद के जिले, आपके गृह जिले में ही होगा, पर गृह जिले में कहीं भी हो सकता है, या तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, जनपद पंचायत में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरव्यू के एक दिन पहले आपको एक से दो दिन पहले आपको कॉल कर दिया जाएगा कि इंटरव्यू कितने बजे से कितने बजे तक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। एक मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जाना है जो कि जरूरी है, नहीं तो आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। और आप सभी को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो इंटरव्यू की कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, जब आप इंटरव्यू दे देंगे, जब आप रिटर्न एग्जाम दे देंगे, उसके कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिनका सिलेक्शन होगा। एक ब्लॉक से 15 लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिले वाइज। बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग और रिटर्न टेस्ट के एग्जाम में आपको हर रेट अपडेट हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। तो यहाँ पर संभावित तारीख है कि 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए कभी भी कॉल आ सकता है। ठीक है, या आपको 15 से पहले भी आ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू के एक से दो दिन पहले आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप तैयार रहिएगा दोस्तों, अपने मोबाइल को चालू रखिएगा। ठीक है, दिन में कभी भी आपके पास फ़ोन आ सकता है कि आपको कलेक्ट्रेट से फ़ोन आएगा। ठीक है, जिला कलेक्ट्रेट से आपको फ़ोन आएगा कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो चुका है, आप इंटरव्यू देने इस तारीख को इतने बजे इस समय पर आ जाइए, सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना है। एक वीडियो और एक और प्रोवाइड करूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लगेंगे, क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं कुछ एक घंटे बाद, लगभग एक घंटे बाद लाइव आने वाला हूँ, जिसमें आप सभी के सवाल प्रॉब्लम सुनी जाएगी, तो लाइव वीडियो में जरूर जुड़ेगा। इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वो जल्दी आपको 15 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू की कोई लिस्ट नहीं आएगी आपको। ठीक है, इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल आएगा, जिनका फाइनल सबमिट हो चुका है, जिनको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।